तो आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे एक ब्लर वीडियो को HDR क्वालिटी के अंदर तब्दील कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक साइड पे ब्लर वीडियो है और एक साइड पे वही वीडियो HD क्वालिटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह से अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक HDR क्वालिटी के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे एक ब्लर वीडियो को HDR क्वालिटी के अंदर तब्दील कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको आपने कैसे और कहाँ से फ्री में डाउनलोड करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में टूल्स मिलते हैं, अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक टूल मिलता है HDR का, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे ये टूल ओपन होगा, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ट्राई प्रो का, तो आपने ट्राई प्रो के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये प्रो है, इसलिए यहाँ पे आपको पैसे दे के यूज करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आपको यहाँ पे फ्री में भी ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन को फ्री में भी यूज कर सकते हैं 24 घंटों के लिए। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ऊपर जो क्रॉस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपने एक एड वॉच करना है, एड को जब वॉच कर लेंगे उसके बाद 24 घंटों के लिए फ्री हो जाएगी, उसके बाद आप 24 घंटों तक यूज कर सकते हैं। तो आपने अनलॉक नो पे टैप करना है, तो यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, तो आपने इस ऐड को मुकम्मल यहाँ पे देखना है। जब ऐड को देख लें तो आपको ऊपर क्लोज का ऑप्शन मिलता है, तो आपने क्लोज पे टैप कर देना है, और उसके बाद ये 24 घंटों के लिए आपको फ्री में टूल मिल जाएगा। आपको जितनी भी वीडियो HDR क्वालिटी के अंदर तब्दील करनी है वो यहाँ से आप एक क्लिक से कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखो तो ट्राई के साथ प्रो लिखा था, लेकिन वो यहाँ से हट चुका है, अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ट्राई पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी। यहाँ से आपने जो वीडियो HD क्वालिटी के अंदर तब्दील करनी है आपने उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने डन पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगा और आपकी वीडियो HD क्वालिटी के अंदर तब्दील हो चुकी है। और आपको वीडियो के नीचे एक ऑप्शन मिलता है टैप टू एडिट का, अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम क्रॉप का और दूसरा ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम का। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप वॉल्यूम को ऊंचा कर सकते हैं। और इसी के साथ यहां पे ऐड म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप कोई म्यूजिक ऐड करना चाहें तो यहां से कोई भी म्यूजिक अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं। तो जब आपकी वीडियो मुकम्मल तौर पर एडिट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए HDR के अंदर, तो ऊपर आपको डन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसके ऊपर टाइप करते हैं तो आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप मजीद और भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं कोई और वीडियो ऐड करता हूँ, ऐड करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वीडियो HDR क्वालिटी के अंदर चेंज हो चुकी है। आप इसी तरह से वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ से ऐड करने के बाद ऊपर डन पे टाइप करते हैं, आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह से अपनी ब्लर वीडियो को एक HD क्वालिटी के अंदर तब्दील कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक से। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको आपने कैसे और कहां से इंस्टॉल करना है। तो आपने सिंपल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पे टाइप करना है टाइम कट। जब यहां पे ये लिख के सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये एप्लीकेशन मिल जाती है। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं।